फाइनली गाइस, आज आयुष यादव ऐलान कर ही दिया कि बिग बॉस के घर के बाहर जाने के बाद देविका को वह प्रपोज करने वाले और शादी का हाथ मांगेंगे उनके पापा से। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे रहना। आज का फिर से एक ताजा खबर है कि देविका और एलविश शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। बिग बॉस से जब बाहर होंगे तो एलविश यादव ने उसको प्रपोज करेगा। आज खुद बोला है एलविश यादव ने कि मैं बिग बॉस के घर से बाहर होऊंगा, तो फिनाले के बाद मैं बिग बॉस के घर से बाहर देविका को प्रपोज करूंगा। ओ माय गॉड। फाइनली गाइस, आज एलविश यादव ऐलान कर ही दिया कि बिग बॉस के घर के बाहर जाने के बाद देविका को वह प्रपोज करने वाले और शादी का हाथ मांगेंगे उनके पापा से। आज उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया और बोला कि मैं बिग बॉस के घर से बाहर जाऊंगा, फिनाले के बाद 14 अगस्त को तो मैं देविका का हाथ मांगूंगा उसके पिताजी से, और हाँ बहुत जल्द वो शादी करने वाली है, तो एक दूसरे बंधन में बंधने वाली है। और रही बात मनीषा रानी की, जो उसके साथ इतना फ्लर्टिंग करती थी, और कहीं ना कहीं मनीषा के मन में एलविश के प्रति प्यार था, लेकिन उसका शायद प्यार अधूरा रह जाएगा मनीषा रानी का। सो मनीषा रानी जब सुनी तो वो भी मतलब अंदर ही अंदर उनकी घुटन महसूस हो रही है मनीषा रानी को कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो देविका के चंद दिनों में उसके अंदर प्यार भर गया और मेरे प्रति उसके अंदर नफरत। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरा प्यार उसने अप्रूव नहीं किया और उसका प्यार अप्रूव कर लिया इतना जल्दी? ऐसे कैसे हो सकता है? सो मनीषा रानी को अभी भी बिलीव नहीं है, ताकि वो जल्द से जल्द अभी भी शादी भी करने वाली है, लेकिन मनीषा रानी अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मनीषा रानी, ये सच है कि वो एलविश यादव और देविका शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। तो देखते रहिए ये ब्लॉग, और मैं आपको बहुत ही जल्द उसका परपोज वाला जो वीडियो होते हैं क्लिप्स, मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा, डू द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं यार सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।